इस रैली में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इससे पहले सीपीएम की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल में की गई वृद्धि के खिलाफ विरोध रैली की। प्रदर्शन कीमतों की मांग कर रहे थे। यूपीए घटा डीएमपी ने पेट्रोल कीमतों की गई वृद्धि के खिलाफ करने का फैसला किया। पार्टी प्रमुख पूर्व मंत्री अफगान ने कहा कि पार्टी लोगों की मदों पर नहीं सकती। केंद्र से आग्रह किया कि लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी 20 मई को प्रदेश पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ विरोध रैली करने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि प्रति लीटर 7.5 रूपये की वृद्धि को केंद्र सरकार फैसले राज्य सरकार के पेट्रोल लाले में कम के मुद्दे ने कहा कि पेट्रोल कीमतों कम करने राज्य सरकार के स्तर पर कुछ अधिक गुंजाइश नहीं है, जो करना है केंद्र सरकार को करना है। इस बीच पेट्रोल को लेकर दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के हिसाब से विरोध करना हर दल का हक है। हालांकि पार्टी ने यह कहा है कि राजनीतिक दलों को यह भी देखना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल पर टैक्स कम करें। सख्त कम था, तकलीफ दे उस तकलीफ है।